आपका नाम महाकाली वास्तु ज्योतिष है। आज का जो टिप्स रहेगा वास्तु टिप्स के बारे में रहेगा। आज हम बात करेंगे वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा में सर करके सोने से हमें लाभ मिलेगा। वास्तु की हिसाब की अनुसार है ना, दक्षिण दिशा सबसे शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा के अंदर ऊपर आपका सर होना चाहिए, उत्तर में आपका पैर होना चाहिए। पैर की उत्तर दिशा में होना शुभ माना जाता है। और कभी कभी अगर आपको दक्षिण दिशा में अगर अवसर प्राप्त नहीं होता है तो पूर्व की दिशा भी अब इस्तेमाल किया जा सकता है। खास करके पूर्व की दिशा, अगर आप छात्र हैं, बच्चे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई आपका चल रहा है, तो आप पूर्व की दिशा में सर करके सो सकते हैं। पूर्व की दिशा में सर करने से आपका मानसिक शारीरिक से आपको बहुत लाभ मिलता है और पढ़ाई में आपका मन लगा रहता है। अगर दक्षिण दिशा में अगर आप व्यापार बिजनेस नौकरी करते हैं तो खास करके दक्षिण दिशा में सर करके सोने से धन कमाने का नए नए अवसर प्राप्त तो होता है और आप हरदम ऊर्जावान रहते हैं, मन आपका शांत रहता है और आपकी जिंदगी में सुख शांति प्राप्त तो होता है। इसके लिए जब भी आप सोने की आप सोच रहे हैं, बेड लगा रहे हैं, पलंग लगा रहे हैं या नीचे भी सो रहे हैं, जमीन पे अगर आप चटाई बिस्तर लगा के सो रहे हैं, दक्षिण दिशा पे ही सोना चाहिए। सोने से आपको फायदा होगा। फिर दोस्तों हम दूसरे वीडियो के साथ दूसरे टिप के साथ मिलेंगे। नमस्कार।